hi and welcome to the high priestess tarot aap sab logo ka bahut zyada swagat hai i hope aap sab khush ho healthy ho apna khyal rakh rahe ho so let us see here what is coming for you um, virgos for the next 15 days and ये एक जनरल रीडिंग है जितना रेजनेट करे उतना ही लेना है कोई भी मैसेज फोर्स नहीं करना है और साथ साथ मेरे बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा लेट्स सी वर्गोज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग आपके जुलाई पार्ट टू के लिए लेट सी द इनिशियल एनर्जीज फर्स्ट वी हैव द हाई फ्री स्टेस जिसके साथ है द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गोज सबसे पहला चीज जो मुझे यहाँ पे लाइक फील हो रहा है इज दैट लेटली रिसेंटली कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने सेल्फ um, वर्थ के अगेंस्ट जाके किया है या जो आप अपने बारे में बिना सोचे अपने आप को मे भी किसी रिस्क में परेशानी में डाल कर किया है किसी और के लिए um, या किसी भी और रीज़न के वजह से हो सकता है एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट समटाइम्स इट्स गुड टू हेल्प अदर्स या आप जिस भी वजह से किए होंगे जो भी बट दिस इज़ अ टाइम वर्गोज़ जब आपको थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा अपने बारे में यू you नो know, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में अपने डिज़ायर्स अपने ड्रीम्स अपने एस्परेशंस के बारे में बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे आप खुद से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड लग रहे हो कहीं ना कहीं आई फील लाइक वर्गोज आप uh, बहुत ज़्यादा गिविंग बन गए हो या गिविंग बन गए थे रिसेंटली जिसके चलते आपको कुछ ना कुछ नुकसान या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या टायर्डनेस जैसा महसूस हो रहा है आपको अब समझ आ रहा है कि आप पहले जितना एनर्जेटिक नहीं हो पहले जितना खुश नहीं हो पहले जितना स्टेबल नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना एनर्जी अपना सब कुछ कहीं और किसी और में इन्वेस्ट कर दिया है एंड नाउ यूनिवर्स इज कॉलिंग यू टू टेक योर पावर बैक कैसे भी कुछ भी आपको सही लगे आप करो बट जो पावर आपने दूसरों के हाथों में दे दिया है उसे अपने हाथों में ले लो अपने लिए सोचो अपने लिए करो बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन योर काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आई एम ऑल्सो ह्योरिंग मैस्क्यूलिटी सो फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने um, अपने आप को प्रोटेक्ट करो या अपने फ्रूट्स ऑफ योर लेबर को प्रोटेक्ट करो दैट इज़ आई एम हियरिंग लाइक आप जो भी रिवॉर्ड या आप जो भी हासिल किए हो जिंदगी में या करने वाले हो आगे या आप मेहनत करके जो भी काम करते हो या ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत करते हो क्रेडिट कोई और लेके जाता है आप मेहनत करते हो नाम किसी और का होता है या आपके मेहनत के ऊपर या आपके लाइक आपको लोग कहीं ना कहीं या तो यूज़ करते हैं अपने अपने बेनिफिट्स के लिए या हमेशा आपको लोग आ, अवेल करते हैं आप हमेशा कहीं ना कहीं होते हो लोगों की बात सुनने के लिए उनके पास रहने के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए एंड इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे हो सो so, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को मदद करना बंद कर दो या कुछ बट मैं इतना कह रही हूँ कि अपने आप को भी प्रायोरिटी बनाना जरूरी है दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स चाहते कि आप अपने मनी फाइनेंस करियर इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें बिकॉज इट इज़ अ टाइम कि आप चाहे तो अपना स्टेबिलिटी आप अभी बिल्ड कर सकते हैं अब स्टेबिलिटी से मेरा सिर्फ करियर और मनी का मतलब नहीं है स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है आपका सुकून आपकी शांति आपका पीस आपका मेंटल हेल्थ आपका फिजिकल हेल्थ सब कुछ इट्स अ टाइम टू रिप्लेनिश योर सेल्फ यू you नो know, जो टाइम जो एफर्ट जो एनर्जी आपने कहीं और पे इन्वेस्ट किया है इट इज़ अ टाइम कि आप अपने आप को वो चीज़ें देना शुरू कर दे एंड आपका वर्क लाइफ आपका मनी सिचुएशन मुझे काफ़ी बेटर होते हुए दिख रहा है इन द फर्स्ट प्लेस फिर भी हम लोग कन्फर्म तो करेंगे विथ योर मनी सिचुएशन पहले देखते हैं अबाउट योर लव इमोशंस कनेक्शंस वॉट शुड वी और वॉट कैन वी नो ओके सो the eight of swords the two of swords energy emotionally ya aapka um love life ki agar main baat karu i definitely see a lot of like challenges conflicts ya clash that is what i'm hearing like कुछ चीज़ें हैं आपके love life में जो आप बदलना चाहते हो या जिन चीज़ों से आप थक चुके हो परेशान हो चुके हो and कहीं ना कहीं आप काइंड kind of कुछ चेंज चाहते हो कि ये पर्सन कहीं किसी और तरह से बिहेव करे इस पर्सन का इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आए वो चीज़ समझ में आए या आप अपने आप को कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इट इज़ टाइम फॉर द चेंज लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कहीं ना कहीं आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो एंड मुझे लगता है कि इट इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ लव मोर देन एनी एल्स आप कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो एक ऐसे मैरिज में एक ऐसे रिलेशनशिप में एक ऐसे फ्रेंडशिप में जहाँ पे आप इमोशनली तो अटैच्ड हो लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन एक रेड फ्लैग है आपको पता है कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है एंड यहाँ पर रहे यहाँ पर रह के आप कभी भी सुकून शांति और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे बट आप स्टिल उसमें स्टक हो बिकॉज आपको लगता है कि आप एक्शन नहीं ले सकते आपके पास कोई और रास्ता नहीं है चारा नहीं है कन्फ्यूजन है फॉर सम ऑफ यू आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो आप काइंड ऑफ कन्फ्यूज हो इस पर्सन के बारे में या दो ऑप्शनस के बीच में अगर आप अपने ऑप्शन ओपन रख रहे हो तो मे बी आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर मिल सकते हैं इन लव मे बी दो एक से ज़्यादा प्रोपोजल्स एक से ज़्यादा यू नो सीक्रेट एडमायर क्रश वट एवर इट इज़ बट द मेन थिंग यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है आपके इमोशनल सिचुएशन में इस बार जब तक आप खुद को रिप्लेनिश नहीं करते जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं बनाते इस कनेक्शन में आप स्टेबिलिटी नहीं देख पाएंगे या आपके लव लाइफ में आप स्टेबिलिटी नहीं देख पाएंगे चाहे आप सिंगल हो चाहे आप किसी से डील कर रहे हो इट डज नॉट मैटर क्योंकि द मेन प्रॉब्लम इज दैट आप एक गिवर हो या आप एक गिवर एंड जिसके कारण से जिसके चलते ये सिचुएशन आज इस प्रकार हो गया है दैट आपको ही स्टक महसूस हो रहा है सो आई थिंक राइट नाउ वॉट द राइट थिंग टू डू स्पेशली आपके लव इमोशनल सिचुएशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई सी दैट कुछ चीजों को अभी सरेंडर करना या लेट गो करना ही सबसे बेस्ट है बिकॉज कहीं ना कहीं देर इज़ अ लॉट ऑफ़ इन डिसीजन जिससे आप भुगत रहे हो कहीं ना कहीं आई थिंक आप चीज़ों को सही रियलिटी से जोड़ नहीं पा रहे हो आपके एक्सपेक्टेशंस बीच में आ रहे हैं कहीं आपका लाइक मे बी कुछ पास सिचुएशंस है कुछ एक्सपेक्टेशंस है कुछ आइडियाज़ है जो आपने फॉर्म किया है कुछ एजाम्शंस है जो आपने फॉर्म किया है एंड यूनिवर्स इज़ लाइक की सब एजाम्पन्स आपके सही नहीं हैं आपको इस टाइम पे जो लग रहा है और एक्चुअली में जो रियलिटी है उसमें फ़र्क है सो इट इज़ बेटर कि आप इस वक्त एक तो थोड़ा सा हीलिंग के ऊपर फोकस करें वो लोग जो अभी अभी किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकले हो या निकलने के बारे में सोच रहे हो या आप काइंड kind ऑफ of अपने आप को इमोशनल ब्लॉकेज से हील um, कर रहे हो किसी प्रकार एंड जो लोग काइंड ऑफ किसी जगह पे फंसे हुए हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका करंट रिलेशनशिप सिचुएशन जो है मे बी आप खुश हो बट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो और बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो इसके फ्यूचर को लेके या इसके रियलिटी को लेके यूनिवर्स इज़ लाइक इट इज़ टू अर्ली टू अज्यूम क्योंकि आप जो अज्यूम करोगे उसमें रियालिटी मे बी ट्वेंटी थर्टी परसेंट होगा बाकी वो आपका एजम्पन है तो इट्स बेटर टू सरेंडर राइट नाउ ठीक है Uh, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है जो आपके मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ को बेटर बना सकता है आप उन डिसीजंस के ऊपर फोकस करें कंफ्यूजन और ये सब uh, थोड़ा सा रहेगा इस टाइम पे, ठीक है सो आई डोंट सी दैट आप ज़्यादा इमोशनली एक बेटर प्लेस में रहोगे बट एट लीस्ट मैं इतना कहूँगी दैट अगर आपने सही से काइंड kind ऑफ of, अपना यू uh, नो you know, आप अगर सही से अपने आप को कंट्रोल कर पाए अपने माइंड को अपने लॉजिक uh, को अपने एजम्शंस को तो आप डेफिनेटली uh, उतना भी नेगेटिविटी को आपको झेलना नहीं पड़ेगा यू नो सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख रहे हो एंड काइंड ऑफ रियलिटी से आप uh, जुड़ के रह रहे हो यू आर नॉट ंग एनीथिंग और आप कुछ एक्सपेक्टेशन या एजाम्शन ऐसे नहीं लगा रहे हो जो बाद में आपको ही हर्ट करे थोड़ा सा स्टक रहेगा सिचुएशन वर्गो ठीक है या लेट्स सी करियर मनी सिचुएशन डेफिनेटली अ सिक्स ऑफ वॉन्स वॉन्स सॉरी डेफिनेटली अ सिक्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव है

पहले में भी आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस था या आप यही सोचते थे कि क्या मैंने सही यू नो डिसीजन लिया है सही डायरेक्शन चुना है इज दिस समथिंग जो जिसमें मुझे सक्सेस मिलेगा इस दिस समथिंग जिसमें मुझे वो सैटिस्फेक्शन मिलेगा द आंसर इज़ येस ओके बिकॉज बहुत टाइम के बाद आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन वाला मोमेंट मिलेगा इस पंद्रह दिनों में थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा दैट हाँ जो टेंशन स्ट्रेस लेके आप चल रहे थे वो उतना भी ज़्यादा डीप नहीं है आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो आप थोड़ा सा अपने काम को सेलिब्रेट कर सकते हो आप थोड़ा सा लाइम लाइट में रहोगे दैट इज ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग विद द सेक्स ऑफ वन्स एनर्जी दैट लोग आपको नोटिस करेंगे लोग आपकी एफ़र्ट को नोटिस करेंगे या आपका जो काम है आपका जो एफर्ट है उसे अप्रिशिएट किया जाएगा सो so, अगर ऐसा होता था कि लोग आपसे क्रेडिट छीन लेते थे लोग आपका नाम यूज़ करते थे आपको काइंड kind ऑफ of बस अपने काम से काम रखते थे आई सी दैट वही लोग अभी आपको थोड़ा सा अप्रीशिएट कर रहे हैं बिकॉज़ मे बी आपने अपने आप को चूज़ किया है सारी चीज़ों से ऊपर या फिर ये भी हो सकता है दैट आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो एंड नाउ यू आर हिटिंग द जैकपॉट और नाउ इट इज एक्चुअली शोइंग द रिजल्ट्स आर कमिंग इन तो जो टाइम आपने दिया है इन्वेस्ट किया है जो हार्डवर्क आपने इन्वेस्ट किया है फाइनली उसका रिजल्ट फाइनली उसका काइंड ऑफ आउट आउटकम जो है वो आपको अभी देखने को मिलेगा विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी हियर एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस थ्री ऑफ वन्स बॉडम डेक एनर्जी जो मुझे ये भी कहता है दैट यू नो जस्ट होप फॉर द बेस्ट आपके करियर की जब बात आती है जस्ट होप फॉर द बेस्ट बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप रिसीव करोगे चाहे वो ब्लेसिंग्स हो चाहे वो आपका हार्ड वर्क का फल आपका रिवॉर्ड हो बट देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन फॉर यू ये नए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है एंड आई सी दैट आप ग्रो कर रहे हो इन योर करियर आपका मनी सिचुएशन आपका करियर सिचुएशन आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप आ, कर रहे हो इट इज ग्रोइंग ठीक है ये बेटर हो रहा है ये पहले से आगे बढ़ रहा है एंड आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हो अपने करियर को लेके, बट हाँ आपको होप करते रहना है आपको हार्डवर्क करते रहना है जो भी आप कर रहे थे आपको करते जाना है बिकॉज यू आर फाइनली सींग द रिजल्ट सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो लोग स्पेशली डाउट में थे दैट वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट आपको यूनिवर्स खुद ही इस सवाल का जवाब भेज देंगे आपको खुद ही देखने को मिलेगा खुद ही आपको महसूस करने को मिलेगा दर हाउ इट फील्स टू हैव दैट सक्सेस और अगर ये सक्सेस पूरे दम से एक बार में नहीं आएगा तो एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ आपको इस टाइम पे मिलेगा लाइक like कंफर्मेशन के तौर पे दैट यस yes, मैं सही रास्ते में हूँ एटलीस्ट चलो कुछ तो मिला कुछ तो हुआ कुछ तो आगे बढ़ा कुछ तो बाद बना सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन प्रोग्रेस होगा बेटर फील करेंगे आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे मूवमेंट आएगा अप्रिसिएशन आएगा सो करियर वाइज जितना आप हार्ड वर्क दोगे उतना बेटरमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है सो प्लीज़ टेक योर करियर सीरियसली उसे प्रायरिटी बनाइए डू योर बेस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू विल सी द रिजल्ट यू नो वेरी सोन ओके So yeah, that is what I have for you, my Virgos. Thank you so much for watching. If you like Like, share, comment, and subscribe. If you are new here, I will meet you again in Till then, take care and goodbye.